So, guys, आज हमारे सामने है महिंद्रा एक्स थ्री डबल ओ का डब्ल्यू सिक्स वेरियंट जो कि इस कार का मिड वेरियंट है साथ ही साथ ही वेन्यू का एस वेरियंट जो कि इस गाड़ी का भी मिड वेरियंट है दोनों के अंदर क्या क्या डिफ्रेंसेज आपको मिलने वाले हैं क्या क्या चेंजेस हैं क्या क्या किस में आता है क्या क्या किस में नहीं आता है ये मैं आपको बताने वाला हूं बाकी स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से जो है सबसे पहले देखते हैं ह्यूडी वेन्यू का फ्रंट यहां पर आपको भरपूर क्रोम जो है फ्रंट में अब देखने को मिलता है और उसके अलावा अगर आप एक्स का फ्रंट देखें तो काफी ज्यादा एग्रेसिव और बोल्ड सा लुक इसके फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा बाकी लुक वाइज तो डिजाइन वाइज आप गाड़ी को खुद से जज कर सकते हैं मुझे जो ज्यादा पसंद है वो है एक्स यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है फिर सबसे पहले वहीं बात करते हैं गाड़ी के प्राइजेस के बारे में तो एक्स जो मिल जाएगी आपको आठ लाख इकतालीस हजार चार सौ निन्यानवे गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी फिर वहीं हिंडी वेन्यू में आपको वन लीटर टर्बो वन लीटर नेचुरली स्पिलेटेड पेट्रोल और साथ ही डीजल इंजन आपको देखने को मिलेगा वहीं फिर उसके बाद डब्ल्यू सिक्स में बात करते हैं टर्बो पेट्रोल वन लीटर डीजल इंजन इस गाड़ी के अंदर

सिक्स महिंद्रा में आपको जो है सिक्सटी इंचेस का ही स्टैंडर्ड एक टायर साइज मिलता है जो कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सेम रहने वाला है ओल्ड फोर ब्रेक के साथ ये गाड़ी आपको अवेलेबल मिल जाती है तो कुछ एरियाज़ में देखेंगे जैसे कि विड्थ में तो ये महिंद्रा एक्स भी ज़्यादा है हाइट में भी ज़्यादा है और व्हील बेस में भी आपको ज़्यादा ये देखने को मिल जाने वाली है उसके तो बाद बात करें गाड़ी के रियर के बारे में तो रियर में जो है वेन्यू में आपको टेल लैंप्स जो है कनेक्टेड वाले देखने को मिलते हैं जिसका रियर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगता है बाकी स्प्लिट टेल लैम्प आपको एक्स में जो है अवेलेबल मिल जाने वाले हैं बाकी यहाँ पर बात करें तो डी वगैरह आपको इस वाले वेनेट में नहीं मिलते हैं एक्स में बाकी बूट स्पेस की बात करें तो टू लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है जो कि काफ़ी कम है यूंडी वेन्यू से में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल मिल जाएगा वहीं शाकफिन एंटीना और रियर डी फोगर जैसे फीचर्स भी इस गाड़ी के रियर में आपको देखने को मिल जाने वाले so हैं। ये सारी बातें हुई गाड़ी के ऑल ओवर एक्सटीरियर के बारे में बाकी एक्सटीरियर में एक चीज रह गई है एक्सयूवी में जो आपको काफी डिमांडेड फीचर आजकल चल रहा है सनरूफ आपको डब्ल्यू सिक्स से ही अवेलेबल मिल जाती है जो कि वेन्यू के एस एक्स के बाद ही मिलना आपको स्टार्ट होने वाली है सुख जी सारी बातें हुई गाड़ी के ऑल ओवर एक्सटीरियर के बारे में अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बताता कि क्या आपको चीज़ें मिलती हैं बाकी टोन का इंटीरियर आपको दोनों ही कार्स में ऑफ़र मिल जाता है जैसे कि आप महिंद्रा में भी देख सकते हैं और साथ साथ यूनि में भी दोनों में ही आपको टोन का इंटीरियर देखने को मिलता है काफ़ी रूमी रूमी से इससे जो है फ़ील होता है बाकी वेन्यू में आपको टच स्क्रीन स्टीडियो मिल जाएगा वहीं आपको महिंद्रा में एक नॉर्मल डबल डिन का स्टीडियो देखने को मिलेगा वेन्यू में आपको डिजिटल एम इसके अंदर देखने को मिल जाएगी वहीं महिंद्रा में देखेंगे तो आपको एनालॉग इसके अंदर एम जो है आपको देखने को मिल जाएगी जो कि थोड़ी सी बेकार सी लगती है बाकी फिर यहाँ पर रियर एसी वेंट आपको वेन्यू में अवेलेबल मिलेगा एक्स में आपको नहीं मिलने वाला है अवेलेबल बाकी टू यू टाइप सी इक, इसके अंदर सॉकेट भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं काफ़ी रूमी सा स्पेस आपको जो है एक्स में मिलता है वहीं वेन्यू में थोड़ा सा कम स्पेस एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यू एक्स्यू वी के कंपेरिजन में मिलेगा बाकी फिर यहाँ पर गाड़ी के सेफ्टी के फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों में लगभग लगभग इस वाले वेरेंट्स में तो सेम से सेफ्टी के फीचर्स हैं बाकी टॉप एंड वेरिएट्स से कंपेयर करेंगे तो टॉप एंड वेरियंट में आपको एक्स यू वी में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं जैसे ओल्ड फोर्ड डिस्क ब्रेक इसके अंदर स्टैंडर्ड वैसे ही हैं बेस मोड से टॉप मोडो तो सब में आते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर ज्यादा मिल जाएंगे आपको साथ ही साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम उसमें भी आता है इसमें भी आता है हिल हैसेसिस ये दोनों चीज़ें जो है दोनों ही गाड़ी में आती हैं और साथ ही साथ उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो हीटिड वॉर भी नॉट श्योर कि इसके अंदर अब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बट इसके अंदर पहले आते थे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट वो दोनों में ही आते हैं बाकी रियर फॉग भी दोनों के दोनों के के अंदर अवेलेबल हैं बाकी थ्री पॉइंट सीट बेल्ट ई एल आर वाली जो है इस गाड़ी के अंदर आपको अवेलेबल मिलती है जो कि ह्यूमंडी वेन्यू में आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाली है बाकी वेन्यू में आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह जैसी चीजें थोड़ी बहुत चीजें जो हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के उसमें मिल जाती हैं बाकी लेकिन ज्यादा फीचर्स की बात करें तो आप एक्सूवी में जो है अवेलेबल मिल जाने वाले हैं और साथ ही साथ एक्सयूवी थ्री डबल